Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. Now start looking inside. Simply watch. Watch your mind, watch your thoughts, watch your darkness all over inside. Simply watch. Be watchful. Connect yourself with your third eye. You are a seer. You are not a mind. You are a seer, a witness, a non-doer. Simply watch the mind's doing, the doings of mind. Mind is a doer. You are a seer. Realize it. Remember it. And one day you become awakened. Tum dekhna. Dekhne wale ho. Dekhna hamara swabhav hai. बाहर के जगत को बाहर की आंखों से देखना, भीतर के संसार को, विचारों के जगत को, विचार ही संसार है। अपने ही माइंड को, विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को, विचारों की ट्रैफिक को देखते रहना, भीतर के माल रोड पर, तमाम विचारों की आवाजाही देखते रहना। अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू देखते रहना। मन से बढ़कर की दुनिया में कोई जादूगर नहीं। मन से बढ़कर की दुनिया में कोई पॉलिटिशियन नहीं। मन से बढ़कर की दुनिया में कोई लर्नर्ड नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई एडवोकेट नहीं। इसकी एडवोकेसी को देखना। थोड़ा हटोगे तो तुम स्वयं जानोगे, थोड़ा जागोगे तो जानोगे कि हम कितनी गुलामी में जीते। मन की गुलामी में धिक्कार है हमारे जीवन को। मालिक होकर के हम गुलाम बने, और बने भी किसके? माइंड के। अगर गुलामी ही करनी थी तो मालिक की करते, अपने मालिक की, प्रभु की। जो गुलामी भी परम स्वतंत्रता है। कितनी बेहूदगी है, कितनी मूढ़ता है कि हम माइंड के गुलाम होके जी रहा है। गुलामी नहीं, हम अपना स्वयं अस्तित्व भूल करके, स्वयं स्वभाव भूल करके माइंड ही हो गए। हमें माइंड के बाहर कुछ पता नहीं। हम बहुत लगे हैं माइंड को शार्प करने के लिए। हमें बियॉन्ड माइंड कुछ भी मालूम नहीं। जहां जीवन छलकता है, आनंद उतरता है, मस्ती ही मस्ती है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य छलकता है, परम सौंदर्य छलकता है। जहां सत्यम शिवम सुंदरम की छलक मिलती है, जहां सच्चित आनंद का डेरा है, जहां दशम द्वार की किवड़िया तेरा इंतजार करती है, जहां सहस्रार की शिखर निरंतर जगमगाती है, उस और चल। ओ इंसान, वो है तेरा अल्टीमेट गोल। पहचान अपने आप को, तो कौन है? हु आई एम? क्वेश्चन उठा अपने प्रति। अगर तेरे में थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस है, थोड़ी सी भी अकलमंदगी है, थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता है, तो सर्वप्रथम ये क्वेश्चन अपने आप के प्रति उठा। अपने प्रति भी कभी क्वेश्चन उठा, दूसरों के प्रति उठाता उठाता उंगली करता करता यूं ही मर जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। अपनी और थोड़ा उंगली उठा। कैसे हो तुम? क्या हो तुम? तुम कौन हो? क्या हो? कैसे हो? इन सवालों का जवाब ले अपने भीतर से। किताबी जवाब काम नहीं करते यहां। वो तो केवल इशारे हैं, वो काम नहीं करते। अपने भीतर से
अपने ही अस्तित्व से, अपने अंतर से इन जवाबों को प्राप्त कर अपने अनुभव में उतरता चला जा। बहुत सहज सरल साधारण, करना कुछ नहीं, केवल अवसर देना देखने का। कछु है कछु नहीं है, आप जाके जाके देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, विचारों की ट्रैफिक है, विचारों की चहल पहल है। आप केवल जाके जाके देखते रहना। देखने में कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई प्रेशर, कोई दबाव ना पड़े, तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना। स्वाभाविक रूप से देखते चले जाना। चित्रूपी कंप्यूटर में जो तूने फिल्म बनाई है, जो तूने फीड किया है, जितनी भी आज तक तूने थॉट्स बाहर से बोरो किया है, जो भी तूने फीड किया है अपने चित्रूपी कंप्यूटर में, वही उठ उठ करके तेरे समक्ष आएगा। माइंड उसको प्रोजेक्ट करेगा, उसकी प्रोजेक्शन को देखते रहना। जागी जागी, सिंपली वॉच। ओ आंखार आमीन ईमन। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, तेरे बगैर किसी चीज की कमी नहीं है मालिक, किंतु तेरे बगैर तबीयत खराब रहती है। तेरे बगैर किसी चीज की कमी नहीं, परंतु तेरे बगैर मेरी तबीयत खराब रहती है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का, वो दिन आखरी हो, वो पल आखरी हो, वो श्वास आखरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, प्यासों की प्यास, हृदय की पुकारे, जब माइंड बुद्धि हृदय में डुबकी लगाता है, हृदय में उतर आता है, हार्दिक भाव जगता है, हार्दिकता एकमात्र तेरा स्वभाव है, सहजता सरलता हार्दिकता, इसमें जब तू उतरता है तो मालो माल होता है, तो मालिक होता है, तो
तो उसमें और वो तुझ में होता है। एकत्व की स्थिति का अनुभव, फिर दूरियां दूरियां नहीं। वो ना मुझसे दूर ना मैं उससे दूर, इन दूरियों का इन देरियों का कारण मेरी अपनी नजर थी, मेरी नजर के कारण था। दूरियां देरियों का जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हालातों में बंधा हुआ नवयुवक नरेन अपने बाबा की दिशा में नजर उठाता हुआ यही कहता है, यही पुकार प्यास भरी उठाता है। जब जब बाप प्रेशर डाल के दबाव करके कंपेल कर देता है उसको थोड़ी देर घर रुकने के लिए अपनी बीमारी के कारण, नरेन की प्रेजेंस चाहता है उस स्थिति में, जो एक पल नहीं जी सकता उस बाबा के बिना, वो उस ओर आंख उठा करके यही पुकार लगाता है। उधर 16 वर्ष की राबिया राजकुमारी वो 3 वर्ष की बालिका मीरा वो 5-6 वर्ष के ध्रुव प्रहलाद नानक गोविंद छोटी छोटी अवस्था में भीखा जैसे बालक सहजोदया बाई जैसी बालिकाएं, क्या उम्र है उनकी। और आज के बुद्धिमान लोग कहते हैं अरे संसार का अनुभव तो लिया नहीं तुम कहां चल पड़े, संसार का अनुभव लिए बिना तुम कैसे चलोगे, अभी बुद्धि तो बनी नहीं, निर्मित हुई नहीं, पूरी प्रौढ़ हुई नहीं, किंतु ही तो बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं, संसार है बुद्धि का सब्जेक्ट। सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं स्वरूप उसकी अनुभूति उसका अनुभव उसका प्रेम उसकी प्यास उसकी दर्द दीवानगी का आलम उससे मिलने की प्यास अपने परमपिता अपने विराट अपने अस्तित्व में उतर जाने की प्यास, ये तो बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं, ये तो है ही हृदय का सब्जेक्ट। और हार्दिक अवस्था जितनी बचपन में होती है उतनी तो कभी प्रौढ़ में भी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। अवस्था तो बुद्धि की है, बुद्धि का निवास है, तर्क का बुद्धि का, ये केवल बचपन ही तो है, ये थोड़ी सी तरुणावस्था तो है जिसमें तो तरल सरल सहज होता है, जहां स्वयं परमात्मा छलकता है। बच्चे को देख के तो कहते हैं महापुरुष कि इज इमेज ऑफ गॉड, He is, she is, an image of God. छलकती हुई इमेज है परमात्मा का, साकार रूप है, यही तो है एकमात्र अवस्था जहां बीज वृक्ष बनने में पूरी संभावना रखता है। ये प्यास दर्द दीवानगी तेरी जवानी को भी आबाद करती चली जाती है,
ये बचपन बहुत निराला अद्भुत अद्वित पॉसिबिलिटी लेकर के आया है। उसके प्यास दर दीवानगी की ये बचपन बच बच के रहने के लिए नहीं है, बचकाना जीवन जीने के लिए नहीं है, ये बचपन लव कुश ध्रुव प्रहलाद नानक गोविंद एक नाथ तुम्हारा मेरा सहजो रबिया इंदुमती गार्गी का मैं जिस दिन फुला दू तेरा ध्यान दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का वो दिन आखरी हो प्रौढ़ होता चला जाता है, जो जो इंसान थोड़ा बचपन तरुणावस्था से जवानी की ओर बढ़ता है, जो जो माइंड निर्मित होता चला जाता है, तेरी संभावना उस सच्चे आनंद को अनुभूत करने की अपने ही अस्तित्व में उतरने की बहुत कम होती चली जाती है, क्योंकि बिखराव ही बिखराव बाहर की ओर बढ़ता चला जाता है, एंबिशन ही एंबिशन तुझे छूती चली जाती है। परंतु इस संसार में आज तक किसी की एंबिशन पूरी नहीं हुई। कोई भी महत्वाकांक्षी मरते वक्त ये नहीं कह सका, कह के नहीं जा सका कि मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण हुई, मैं संतोषजनक जा रहा हूं, मैं पूरी तरह संतोष तृप्त होकर जा रहा हूं। आज तक कोई भी एंबिशियस इंसान एम्बिशन का दीवाना एम्बिशन का पुतला जिंदगी भर कुर्बान कर देता है अपनी एम्बिशन को पूर्ण करने में, पूरा करने में, अपनी एम्बिशियस लाइफ को फुलफिल करने में पूरा जोर लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है, पूरा जन्म गवा देता है, किंतु एक पश्चाताप के आंसू लेके जाता है। परंतु बचपन में उठी हुई प्यास दर दीवानगी बताती है कि जन्मों जन्मों का अनुभव लेके आए हैं, उन्हें इस जन्म में अनुभव लेने की जरूरत नहीं बाहर की। अगर बाहर की अनुभव का जरूरत होती, आवश्यकता होती, अगर वह बाहर के अनुभव की थोड़ी सी भी जरूरत होती तो शायद ये प्यास लगती ही ना, शायद ये दर्द बचपन में उठता ही ना, शायद ये प्रभु प्रेम गुरु प्रेम जगमगाता ही ना। जन्मों जन्मों का बाहरी जीवन का अनुभव लेकर के उतरा हुआ बचपन प्यास दर दीवानगी के संस्कारों से उत्प्रोत गर जगमगा उठता है उसकी प्यास में पुनः इस जन्म में, तो वहां सर झुका देना, वहां संभावना उसके प्रकट होने की, उसके मैनिफेस्ट होने की बहुत दर्द आ जाए। बचपन तरुणावस्था अष्टावक्र 12 वर्ष के है, आयु बाहर की 12 वर्ष की है, भीतर जन्मों जन्मों से है, बहुत बड़ा है, केवल केस कवर छोटा है, कि तू भीतर वाला बहुत 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 बड़ा है। वहां चारों ओर विद्वानों की गोष्ठी है, सभा है, बहुत बड़ा माहौल है,
धर्मसभा का, जिसमें उसके पिता महर्षि कहोड़ भी बैठे हैं, बहुत बहुत समय से बैठे, बहुत बहुत समय से धर्मसभा चल रही है। दुनिया भर के विद्वान वहां लर्नड थिंकर्स मैथमेटिशियंस भरपूर है। उसके पहुंचते ही वहां क्या हालत होती है तुम सब जानते हो, क्या स्थिति बनती है उस सभा में। स्वयं राजा जनक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन आया है, वो भी ना समझ पाए। इतनी प्यास प्राणों में उतरी हुई है जिसकी, वो भी ना समझ पाए। अष्टांग योग का स्वरूप अष्टावक्र, बारह वर्ष का भरपूर आंत्यांतिक स्थिति का वैभवशाली जगमगाता हुआ महासूर्य उतरा, बहुत शिखर एकदम मन से हटते ही ठनक गया। जनक निश्चिंत हुआ, जैसे उसकी वाइब्रेशन उसका ऑरा एकदम जगमगाने लगा, उसकी प्राणों को टच करने लगा, उसकी प्यास को उघाड़ने लगा, तो वो समझ गया मेरा कल्याण, मेरी परम स्वतंत्रता का द्वार, मेरे सच्चित आनंद का जगमगाता हुआ वैभव उतर आया। यह संभावना घटित होने लगी, किंतु इतनी बड़ी भरी सभा के अंदर एक राजा जनक को ही क्यों ऐसा महसूस हुआ, बाकी क्यों नहीं? सब विद्वान उससे बड़े बड़े हैं, सब लर्नेड उससे बड़े बड़े हैं, सब दार्शनिक दर्शन शास्त्र के महान ज्ञाता उससे बड़े बड़े हैं, उनमें से अन्य किसी को क्यों नहीं अनुभव हुआ, अन्य किसी को क्यों नहीं टच कर गया उसका वाइब्रेशन, उसका ऑरा। बुद्धि के अंतिम शिखरों पर बैठे हुए भी क्यों ना समझ पाए, क्यों ना अनुभव कर पाए उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसके भरपूर भंडार जगमगाते जागरण के शिखर को, उसका प्रभाव अन्य पर क्यों नहीं पड़ा, उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऑरा, उसकी अल्फा वेव्स, उसकी पॉजिटिविटी का शिखर अन्य किसी को क्यों नहीं प्रभावित कर पाया, अन्य किसी को क्यों नहीं रूपांतरित कर पाया? क्योंकि बुद्धि का शिखर, ज्ञान का शिखर, किताबी ज्ञान का शिखर हृदय में नहीं रहता। जो थोड़ा सा भी हृदय की झलक पा लेते हैं, उन्हें जाके पुरुषों का ऑरा वाइब्रेशन छूता है। जहां थोड़ी सी भी प्यास, दर्द, दीवानगी, समर्पित भाव एक झलक के रूप में भी उतरा हो, वो उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। अन्य पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ा, अन्य क्यों नहीं प्रभावित हुए, अन्य पे असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हार्दिकता नहीं है वहां, वहां बुद्धि का, एकमात्र माइंड का निरंतर पसारा है, जिस पे असर वाइब्रेशन का और स्ट्रांग से स्ट्रांग भी उस बुद्धि के शिखर, अहंकार के शिखर, अभिमान के शिखर पर बहुत देर बाद पड़ता है। किंतु वह प्राणों में उतरा हुआ सरलता, सहजता, विनम्रता, हार्दिकता का एकमात्र शिखर राजा जनक जिसे एकदम छू गया, एकदम अनुभव हुआ मेरा कल्याण करने वाला पहुंच गया, मुझे मेरी मस्ती में डुबाने वाला पहुंच गया, मुझे मेरे शिखरों पर जगमगाता हुआ
एक नूर पहुंच गया। बाकी सब उसके शरीर को देख के हंसता है। थोड़ी हंसी पहले जनक को भी आई कि तू एकदम संभल गए। जैसे ही वाइब्रेशन छुआ, जैसे आंख से आंख मिली, नजर से नजर मिली, वह नूर उतर गया। जनक संभल गए, जनक ठहर गए, हार्दिक अवस्था में अनुभव कर गए। आकाश उतर आया मेरा मंगल करने के लिए। मुझे अपने दिल से उतरने न देना। हार्दिक अवस्था, हृदय की पुकार, प्यासों की प्यास, दर्द दीवान की कहा। आकाश उतरता चला जाता है थॉटलेसनेस की स्टेट में। ऐसा होता है। मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं हूं प्यास तेरी बिखरने न देना। मैं हूँ प्यास तेरी बिखरने न देना। मैं हूँ प्यास तेरी बिखरने न देना। हमेशा रहूँ तेरे चरणों में ही। वाहरे नरेंद्र, वाहरी मेरा राबिया, वाहरी सहज। हमेशा रहूं तेरे चरणों में, न टूटे ये बंधन मेरी प्यास का। न टूटे ये बंधन मेरी प्यास का। न टूटे ये बंधन मेरे प्रेम का। न टूटे ये बंधन मेरे प्रेम का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से,